मैं एकदम टूट गया कि यार मैंने कुछ डिक्लेयर कर दिया है और मैं अब उसको नहीं कर पाऊँ, और तीन आदमियों को बुलाने में 10 लाख रुपया अगर खर्चा करना है, किसी ने मुझे गिना दिया था कि भाई इतना खर्चा तो है, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे लाइफ में शर्मा जी वो एक इम्पॉसिबल चीज जो आपने कर दी, वो दैट गेव मी ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस। आपने एक दिमाग में एक आइडिया लिया कि मेरे को ये करना है, ऑटोमेटिकली पूरी सृष्टि जो है वो आपको सपोर्ट करने के अंदर काम करना शुरू कर देगी। कोई भी बिल्डिंग कितनी लंबी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, या उसकी लाइफ कितनी लंबी हो सकती है, ये चीज डिसाइड करती है कि उसका बेस कितना स्ट्रांग है। ये तो बात हो गई बिल्डिंग की, लेकिन किसी इंसान का जो बिजनेस है, चलो बिजनेस की बात करते हैं, वो बिजनेस कितना लंबा जाएगा, कितना अच्छे से आगे चलेगा, उसका भी अपना एक बेस होता है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि किस प्रकार के लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, आपको मेंटरिंग करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं, वो आपकी बेस को बनाने का काम करते हैं। आपको कैसी गाइडेंस मिल रही है, आपका कॉन्फिडेंस किस प्रकार से जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें आपका बेस होती है। तो BITV इसकी शुरुआत जो है मैंने करीबन 2018 में की थी, और उस वक्त जब मैंने शुरुआत की थी कॉन्फिडेंस लेवल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जीरो ही था, लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल BITV को आज के इस लेवल तक लाने में जो बना है, उसके पीछे कौन व्यक्ति है और उस व्यक्ति के साथ में मेरी क्या कहानी बनी, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये मेरा जो है उस व्यक्ति के प्रति ग्रैटिट्यूड भी है कि जिस प्रकार का वो व्यक्ति मेरे जीवन में आए, और उनका जो शुरुआती लेवल में जिस प्रकार से मुझे उनका सपोर्ट मिला, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो व्यक्ति और कोई नहीं है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, सतीश शर्मा जी हैं वो। थैंक यू सतीश शर्मा जी। से सर आपसे मेरी मुलाकात जो है, वो LIIT को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके थ्रू, लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल, उनके थ्रू फ़ोन के द्वारा आपसे मेरी मुलाकात हुई, और मेरे ख्याल से फ़ोन पे बात हुई, और आपसे एक जिस तरीके से आपने बात की, तो एक अच्छी दोस्ती हो गई हमारी, एक अच्छी मित्रता हो गई। टच आप कुवैत में थे और आप LIIT के प्रोग्राम में गुवाहाटी आने वाले थे, और मैंने आपका इंटरव्यू लेना था, वहाँ पर बातचीत हो गई थी हमारी, कुछ सवाल मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न आप आ नहीं पाए, लेकिन हमारी दोस्ती तो हो गई वहाँ पे, और वहाँ पे आप आ नहीं पाए। और मैं एक्चुअली ये बात बता रहा हूँ कि हाउ यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके अनकॉन्शियसली क्रिएटिंग अ BITV, उसको जो कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, वो आपने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेरे को दे दिया, वो स्टोरी मैं बता रहा हूँ। तो हुआ ऐसा कि आप नहीं आए, लेकिन आपसे मित्रता हो गई, और फिर बाद में दोबारा कभी आपका आना हुआ इंडिया में, तो आप मेरे ऑफिस में आके गए थे, और हमने एक आपका आपके साथ में एक एपिसोड शूट किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि आप चले गए और फिर मैं अपने कामों में लग गया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी एक LIIT के जैसा प्रोग्राम करना है, और मैंने उसको एक रूप दे दिया, रूप ऐसा दिया कि ये प्रोग्राम के अंदर दुनिया के 3 देशों से 3 स्पीकर आएंगे, अलग अलग देशों से 3 फाइनेंशियल एडवाइजर सक्सेसफुल आएंगे, ऐसा मैंने एक शेप दे दिया, और शेप दे के मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया, सब जगह एडवर्टाइजमेंट ऐसा 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 होगा। मुझे ऐसा लगा कि ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन फिर मैंने जब पता करना शुरू किया दुनिया के 3 देशों से स्पीकर कौन आ सकते हैं, तो मुझे पहली चीज तो ये रेफरेंस ही नहीं मिल रहा था कि कैसे पहुंचूं, क्योंकि मैंने जस्ट शुरुआत की थी। तो मैंने कुछ लोगों से जो MBRT करते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो मैंने उन लोगों से बात करना चालू किया, तो पहली चीज तो मेरे को रिप्लाई आने लगे, यार कोई आएगा नहीं, कोई इंडिया में इतना लंबा आएगा नहीं। फिर थोड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों से पता किया, तो देश के रंजीत यार, इसमें उन लोगों को बुलाना, इसमें बड़ा खर्चा होगा, 8-10 लाख रुपये आपका खर्चा हो जाएगा, वो आएंगे ये। तो मैंने इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी थी शर्मा जी, कि मैंने बोला यार ये तो मतलब कि बैक स्टेप लेने वाली बात हो गई, मैं एकदम टूट गया कि यार मैंने कुछ डिक्लेयर कर दिया है और मैं अब उसको नहीं कर पाऊँ, और 3 आदमियों को बुलाने में 10 लाख रुपया अगर खर्चा करना है, किसी ने मुझे गिना दिया था कि भाई इतना खर्चा तो है, तो मैं बहुत परेशान हो गया था, और परेशानी परेशानी में मैं ऐसे बैठा ही था, और मुझे आप याद आ गए।
मुझे आप याद आ गए। मैंने बोला चलो शर्मा जी को फ़ोन करते हैं और शर्मा जी की राय लेते हैं। और मैंने आपको फ़ोन किया कि शर्मा जी एक दिक्कत में हूँ, मेरे को ये वर्ड याद है, एक प्रॉब्लम में। क्या प्रॉब्लम है रंजीत, आपने बोला क्या प्रॉब्लम है? मैं शर्मा जी एक ऐसा मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि उसके अंदर मेरे को दुनिया के 3 देशों से स्पीकर चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए, तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा। तो आपने मेरे को जो जवाब दिया उसने मेरी मरी हुई एनर्जी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे लेके चले गया, मेरी एनर्जी को, कॉन्फिडेंस। आपने ये जवाब दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हम बैठे हैं, दैट वॉज योर आंसर, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हम बैठे हैं, मैं आपको 3 स्पीकर दिला दूँ। एक तो मैं ही हूँ, आपने गिना भी दिया, एक मैं ही हूँ, दुबई से एक हमारे एक फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, और एक लंदन से है। तो मैं तो बोला यार ये तो खतरनाक बात कर दी शर्मा जी ने, सारा प्रॉब्लम जो मैं एकदम जमीन के अंदर था मेरे को उठा के बुर्ज खलीफा पे बिठा दिया शर्मा जी ने। सो दैट गेव मी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस, खतरनाक कॉन्फिडेंस दिया। और कुदरती वो तीनों ही जन वहाँ पे थे, आप भी थे, अशोक जी भी थे, लंदन से इयन वॉट्स भी थे, वो तीनों जन थे। बाकी इंडिया से जो लोग लाने थे वो तो चलो वो तो मैं कर ही लेता था, लेकिन दिस वॉज इम्पॉसिबल थिंग फॉर मी। तो मेरे लाइफ में शर्मा जी वो एक इम्पॉसिबल चीज जो आपने कर दी, वो दैट गेव मी ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस। उसके बाद आपने देखा आप आ नहीं पाए हैदराबाद में, बट दैट वॉज वो बेस जो था वो बहुत मजबूत था, वो कॉन्फिडेंस जो आपने मेरे को दिया बहुत मजबूत था। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस मैं हैदराबाद का प्रोग्राम और बड़ा कर सका, दिल्ली का प्रोग्राम और अच्छा हो गया। एंड टुडे बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस ये जो प्रोग्राम है मैं और बड़े लेवल का कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये मेरे दिमाग में है कि जो मैंने हैदराबाद में किया उसका 3 गुना बड़ा प्रोग्राम मैं वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड इट इज़ बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस अनकॉन्शियसली आपके थ्रू जो मेरे को मिल गया। हैप्पी टू सर्व ऑलवेज। शर्मा जी मैं आपको ये ग्रैटिट्यूड लोनावला में मैं आपके सामने रखना चाहता था, देखो अभी उसको 3 साल हो गए, मैं रख नहीं पाया। हैदराबाद में रखना चाहता था, मैं रख नहीं पाया, लेकिन कुदरती मेरे को आज मौका मिला है और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ आपको कि आप मेरी जिंदगी में आए। यू नो LIIT को थैंक यू करना चाहता हूँ, अमित शाह को थैंक यू करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं आप तक पहुँचा और आप मेरी जिंदगी में आए। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आदमी जब सोच बना लेता है तो सारी प्रकृति जो है उस सोच के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। आपने एक दिमाग में एक आइडिया लिया कि मेरे को ये करना है, ऑटोमेटिकली पूरी सृष्टि जो है वो आपको सपोर्ट करने के अंदर काम करना शुरू कर देगी। कहाँ से आदमी आएगा, कैसे आएगा, आप उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए। If you have belief, and this is what I always say, whatever you do in life, whatever, कुछ भी करो आप जिंदगी में, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, this I believe, जिस चीज को मैं बिलीव करता हूं मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं वो काम हो जाएगा, बट मेरा विश्वास उस चीज के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आधे मन से करूंगा तो वो काम नहीं होगा, अगर मैं पूरी 100% नियत के साथ करूंगा तो वो काम सफल होगा ही। और आप यू आर अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट कि कैसे आपने एक चीज सोची और आज वो चीज कहां से कहां पहुंच गई। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू गुड लक इन ऑल योर एफर्ट्स, एंड यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। BITV is doing an excellent job for the fraternity, for the financial advisors, and how the platform is expanding from not just insurance to financial services and for any other field that wants to see the benefits of BITV. Good luck to you and good luck to your team. Perfect. Thank you Sharma ji. Aur main ye bolna chahta hu ki jaisa ki maine bataya ki BITV ka jo confidence hai वो शर्मा जी हैं, ये है हमारे BITV के कॉन्फिडेंस, जिसे बुकिश शब्दों में ये भी लिखा जाता है कि हमारे BITV के जो गॉडफादर हैं वो शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।